हेलो एवरीवन, हाउ आर यू माय 8th क्लास स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। आप सब बहुत अच्छे से अपने अपने काम में बिजी होंगे। स्टडीज स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं होप करती हूँ कि जो पीछे हमने चैप्टर्स किए 1, 2 एंड 3, उसकी आपने प्रॉपर रिवीजन की होगी, उसको अच्छे से समझा होगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट्स में कहा कि हमें 4th चैप्टर करवाइए, तो मैं 4th चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। 4th चैप्टर एक्सरसाइज 4.1, 4th चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग आप पहले भी इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आप 7th में 6th में भी पढ़ के आए हैं, तो ये उसी का आगे एडवांस है। आपको इसमें कुछ रॉ डाटा दिया होता है। रॉ डाटा मतलब ये जिस तरह से ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको ये कुछ रॉ डाटा दिया होता है। आपने उस डाटा को आइदर टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिस तरह का क्वेश्चन हो। जैसे एक्सरसाइज 4.1 में सारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फिर आगे की एक्सरसाइजेज में किसी में ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, देन आगे पाई चार्ट बनाना है। इस तरह से आपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। 40 फैमिलीज पे सर्वे किया गया, उसमें एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो ये सर्वे हमें दिखाता है। कोई एक फैमिली होगी उसमें एक ही चाइल्ड है, फिर दो चिल्ड्रन है, देन 1, देन 5, देन 6, देन 2, 1, 3। तो सबसे पहले जब आपको रॉ डेटा गिवन होता है, सबसे पहले आपने ये देख लेना कि उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इस डेटा को अगर हम देखें तो सबसे छोटी वैल्यू देखिए 0, 0, 0 यहाँ बहुत बार आया है, और सबसे बड़ी वाली वैल्यू 6 है। 6 से ज़्यादा आगे कुछ नहीं है। तो हमारा जो टेबल की रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेके 6 तक। ये आपने पहले रेंज फाइंड आउट करनी होती है डाटा की। रेंज कैसे होती है, लोएस्ट वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, फिर हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बीच में आपके सारा टेबल ये लाइक करेगा। ये डाटा आपको गिवन है, रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है, मैंने ये आपके लिए टेबल कह लो मैंने ड्रॉ किया है, उसमें हम इसको फिल करते हैं। टेक ए लुक एट दिस। ये डाटा है जो आपको गिवन है, आपने एक टेबल बनाना है इस तरह से। यहाँ आप लिखेंगे, अब चूंकि ये क्या था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज, तो यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद ये टैली मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी, हर टेबल में ये दो कॉलम सेम रहेंगे, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटी वैल्यू जो थी वो 0 थी और सबसे बड़ी जो थी वो 6 थी, उसके बीच में वैल्यूज रेंज कर रही हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने ये टेबल कैसे बनाना है, कैसे आपने देखा होगा यहाँ लाइंस लगी होती हैं, तो वो आपने कैसे बनानी है। सबसे पहले ये क्या है, 1, इसको 1 के आगे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। फिर ये क्या है, 2 के आगे, देन 1, अगेन 1, फिर 5, ये 5, 6 के आगे 2, अगेन 1, 3, 5, 4, this is 2, 6, 3, 0, 2, 4, 0, again 0, then 2। अब देखिए ये 2 जो है 5th वैल्यू आई है। 4 वैल्यूज आपने ऐसे सीधी 1, 2, 3, 4 लाइन लगा दी, उसके आगे जब अगेन एक आ जाएगी तो आप इसको ऐसे बना देंगे। ये 5 का एक ग्रुप बनेगा इस तरह के। इसमें आपको काउंट करने में भी इजी होता है, और ये रूल होता है कि 4 वैल्यूज ऐसे जाएंगी, 5th जो है वो उसको ऐसे क्रॉस करेगी। 2 के आगे फिर 3, देन अगेन 2, 5 के आगे देखिए ये 6 हो गया। इस तरह से आपको गिनना भी इजी रहेगा, काउंट करना कि ये 5 है और ये 1 6 है। अगेन 0, 4, देन 1, देन अगेन 4, देन 2, फिर से 2, फिर 3, फिर से 2, फिर 1, 1 की 5th वैल्यू है तो ये जाएगी, 0, 0 की भी ये 5th वैल्यू है, देन इट इज 5, देन इट इज 4, देखिए 4 भी इस तरह से आ जाएगा, ये 2, 4,
3, अब 3 पे ये फिफ्थ वैल्यू, देन 6, 2, 1, 2. तो देखिए ये आपके टेबल में ये जो टैली मार्क्स हैं इसको हम टैली मार्क्स बोलते हैं. इसमें बस एक ही रूल लगना है कि लाइंस जो हैं 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वैल्यू जो है वो इस तरह से जाएगी. तो अब आप इनको काउंट करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जितनी यहाँ पे ये लाइंस आपने लगाई हैं. ये जो टैली मार्क्स में जो ये नंबर आया है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज 5, 6, ये हो गया 5 and 5, 10 और ये 2, 12, अगेन 5, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 3. और जब आप इनको टोटल करें तो टोटल करने के बाद आप इसको टोटल कीजिए, जब आप इसको प्लस करेंगे तो इट विल गिव यू 40. और ये 40 आना चाहिए. अगर ये 40 नहीं आता प्लस इन वैल्यूज को प्लस करके, तो मतलब आपने कोई वैल्यू यहाँ से मिस कर दी है, आपका टेबल ठीक नहीं बना है. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्वेंसी टेबल, ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2. In a study of number of accidents per day, the observation for 30 days were obtained as follow. ये एक डाटा है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे, एक दिन में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं. और ये ऑब्जर्वेशन जो है ये 30 डेज की है, यानी कि ये टोटल वैल्यूज जो हैं ये कितनी है नंबर में, 30 हैं. इसको आपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है, उसमें इसको सेट करना है. चलिए सेम वे में हम इसको भी करेंगे. ये वैल्यूज हैं जो गिवन हैं, यहाँ आप टेबल बनाओगे. टेबल कैसे बनाओगे, एक्सीडेंट्स पर डे, एक दिन में कितने एक्सीडेंट होते हैं. उसमें भी ये देखिए, ये आपके पास डाटा गिवन था, जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू आप इसको देख लीजिए, इसमें 6 आ रही है. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चूंकि सिंपल हमें फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने को बोला है इसलिए हम ऐसे करेंगे. और आगे एक और आएगा, उसमें ग्रुप्स बनाने हैं, उसमें आपको बोला गया होगा कि ग्रुप्ड डाटा करना है, तो ग्रुप्ड डाटा के लिए अलग होता है. ये सिंपल टेबल है, एक्सीडेंट्स पर डे 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, टेलीमार्क्स एंड फ्रिक्वेंसी, ये दो कॉलम्स हर टेबल में एक जैसे रहेंगे. चलिए अब हम इसमें फिर से करते हैं, दिस इज 6, 5, फिर 6, 3, 5, 2, 4, 4 के कॉलम में लाइन, देन 3, फिर 4, फिर 2, फिर से 4, फिर 2, 1, 2, 0, 2, देन 5, 1, 6, 4, 3, 0, 6, 5, then again 5, 1, 5, 6, 2, 6. So this is the tally marks column. ये कितने हो गए, 2, frequency हो गई 2, this is 3, this is 5 and 1, 6, again this is 3, 1, 2, 3 and 4, this is 5 and 1, 6, 5 and 1, 6. बस एक ही रूल याद रखना है कि टेली मार्क्स की लाइंस का 1, 2, 3, 4 and 5th एंट्री ऐसे. चलिए इनका टोटल करते हैं, 3 and 2, 5, 5 and 6, 11, 11 and 3, 14, 14 and 4, 18, 18 and 6, 24, 24 and 6, 30. तो हमारे कितनी ये ऑब्जर्वेशन थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 डेज, तो यहाँ टोटल 30 आया. इट मीन्स ये सारा डाटा ठीक है, हमने कोई वैल्यू मिस नहीं की है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग एजेस इन ईयर ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन ईयर स्कूल. स्कूल में 25 स्टूडेंट्स की एजेस क्या हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट्स की, वो यहाँ गिवन है. कोई 13 इयर्स का है, कोई 14, कोई 12, कोई 13, कोई 14, इस तरह से ये वैल्यूज दी हुई हैं. तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है, दिस इज 12, और सबसे जो बड़ी वाली वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आई थिंक इट इज 17. 17 से ऊपर कोई बच्चा यहाँ पे नहीं दिया हुआ. तो हमारा डाटा रेंज क्या आ गई, दैट इज 12 से लेके 17 तक. तो चलिए इसका टेबल बनाते हैं. ये वैल्यूज गिवन हैं, जो आपको गिवन वैल्यूज दी हुई हैं आपकी बुक में, क्वेश्चन में.
यहाँ आप बनाएंगे एजेस इन ईयर, ईयर्स में एजेस जो दी हुई हैं वो है, देखिए जैसे पहले भी बताया 12 सबसे छोटी वैल्यू है और 17 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 12 से लेके 17 तक हमने नोट कर लिया, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, इन्हीं के बीच में एजेस जो हैं वो रेंज कर रही हैं टेलीमार्क्स एंड फ्रिक्वेंसी और लास्ट में टोटल। फर्स्ट इज 13, 14, 12, 13, 14, फिर से 13, 15, 14, 13, अगेन 13, 14 एंड 14, फिर से 12। ये जो मैं वैल्यूज लिख रही हूँ मैं खुद से नहीं ले रही, ये जो आपकी बुक में गिवन है यहीं से लिया जा रहा है, ये 12 तक हमने लिख लिया, देन आगे आ गया 16, 16 की 16 के आगे लाइन, 14, 13, 14, 16, 15, 14, 13, अगेन 13, 17, 12 एंड 13, ये रही वैल्यूज। तो अब आपने ये टैली मार्क्स हो गए, यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो फ्रीक्वेंसी आप देखिए कहाँ, ये 1, 2 एंड 3, दिस इज 3, 5 एंड दिस इज 4, 9, दिस इज 5 एंड 3, 8, दिस इज 2, 2 एंड 1। अब आप इनको टोटल कीजिए, 9 एंड 3, 12, 12 एंड 8, 20, 20 एंड 2, 22, 24 एंड दिस इज 25। तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन में दिए दे आर ऑल्सो 25, तो टोटल हमारा 25 आ गया, सो दिस इज करेक्ट। सारे क्वेश्चन अब इसी तरह से होने हैं। नेक्स्ट भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, गर्ल एंड बॉय, द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। देखिए एक शॉपिंग डिपार्टमेंटल स्टोर है, शॉपिंग स्टोर कह लीजिए आप, उसमें कुछ पीपल आते हैं, कुछ लोग आते हैं सामान खरीदने, उनमें कुछ मैन हैं, वुमन हैं, गर्ल हैं एंड बॉय हैं, ये डाटा है। जो फर्स्ट आवर पहले घंटे में जितने वुमन आई, गर्ल्स आई, बॉयज़ आए या मैन आए, उनका ये डाटा गिवन है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर ही तरह के एंट्रीज बनेंगी, या तो M मैन, या W वुमन, गर्ल G, बॉय B, टेबल बनाएंगे। ये आपके पास गिवन वैल्यूज हैं, मैं यहाँ सारी नहीं लिख पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूज थी, आपने उनको बुक से देखना है, मैं यहाँ साथ में आपको बताते जाऊँगी। शॉपर्स, मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट इज, आप देखिए पहला इसमें जो दिया है वैल्यू दैट इज W, तो W, अगेन W, देन G, W, B, M, G, फिर से G, फिर से W, अगेन W, M, M, देन ये W, W, W थ्री टाइम्स, 1, 2 एंड 3, फिर G, B, M, W एंड W, B, दिस इज G, M, G, M, W, M, W, 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 अगेन a W, आफ्टर दैट M, W, B, W, M, G, अगेन W, 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 G, देन अगेन a W, देन M, M, likewise आप प्रोसीड करते जाएंगे। इसी तरह से आप सारी एंट्रीज को कर लेंगे, जितनी भी एंट्रीज आपके पास हैं। सो अब ये टेलीमार्क्स कंप्लीट हो गए, ये सारा W के लिए है, 1, 2, 3, देन दिस इज 4 एंड 5, 5 ग्रुप हो गए 5 के, एंड दिस 3, तो आप काउंट कर लीजिए 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, वुमेन के लिए W के लिए 28 आ गए, देन बॉयज 5 एंड गर्ल्स 5 एंड 5, 10 एंड 2, 12। सो व्हेन यू काउंट टोटल देम, देखिए इनको जब आप टोटल करेंगे 15, 28,
5 and 12. जब आप इसका टोटल करोगे तो यू विल गेट 60. तो टोटल 60, यानी कि टोटल 60 वहाँ पे लोग आए, उनमें से 15 जो थे वो मैन थे, W वुमन जो थी वो 28 थी, बॉयज 5 थे और गर्ल्स 12 थी. वुमेन सबसे ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, ये हमें यहाँ इस डाटा से पता चलता है. सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा ऑन वेट्स इन केजी ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास यूजिंग इंटरवल्स. अब यहाँ पे हमें सिंपल डाटा, सिंपल टेबल नहीं बनाना, ग्रुप्ड डाटा यूज करना है, ग्रुपिंग करके यूज करना है. तो ये आपके पास गिवन है और आपको ये भी दिया हुआ है कि कितने की ग्रुपिंग आपने करनी है, 30 to 35, 35 to 40. तो देखिए इसमें सबसे छोटी वाली वैल्यू जो है दैट इज 31 आ रही है और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आ रही है आई थिंक दैट इज 65. उससे ऊपर यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, 65. तो हमें ग्रुप्स क्या बनाने हैं. अब ये जो है ग्रुप्ड डाटा टेबल बनेगा तो इसमें हल्का सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. लुक एट दैट, देखिए आपको गिवन है इंटरवल्स आपने लेने हैं 30 to 35, 35 to 40. ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, बुक में गिवन है और ये डाटा है जो आपको गिवन है. इंटरवल्स आपको बनाने हैं 30 to 35. जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ी वाली वैल्यू 65 आ रही है तो आपने 65 to 70 तक जाना है. 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 55 का गैप रहेगा इनमें, ठीक है जी. तो अब हम इसमें वैल्यू, इसमें बहुत ध्यान से देखिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ जानी है. दिस इज 40, फर्स्ट वैल्यू इज 40. अब देखिए 40 दो जगह पे आ रहा है, यहाँ भी 40 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है. तो आप 40 को कहाँ लिखेंगे, 40 को आप यहाँ इस इंटरवल में लिखेंगे क्योंकि ये जो वैल्यू है ना यहाँ 39.9 तक की वैल्यू आ सकती है, 40 नहीं. 40 जो है वो यहाँ की लोअर लिमिट है तो 40 यहाँ आएगा, इसलिए 40 की हम यहाँ लगाएंगे. 48, अब देखिए 48 किस इंटरवल के अंदर, 45 टू 50 के बीच में आती है ना 48 की वैल्यू, तो ये यहाँ जाएगा. 33 कहाँ जाएगा, 30 to 35 के बीच में, 30 और 35 के बीच में 33 आता है ना. 38 ये इस इंटरवल में जाएगा. 31 यहाँ आ जाएगा. 60, आप देखिए 60 अगेन दो जगह पे है तो आज जैसा मैंने पहले बताया ये 59.9 तक की वैल्यू यहाँ आएगी, 60 की यहाँ आएगी. तो यहाँ आपने लेना अगर पूरा मार्जिन वाली, जैसे एंड ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है. तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जब वैल्यू बिल्कुल अपर लिमिट से मैच करे तो वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट में जाती है. आप सिंपली इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब ये जीरो वाली वैल्यू आ गई, लास्ट वाली वैल्यू आ गई, ये दो सेम हैं और अगर सेम यही वैल्यू आएगी तो वो यहाँ जाएगी इस इंटरवल में, पहले वाले में नहीं आएगी. सो 60 यहाँ, 53 हेयर, 49, ये देखिए यहाँ आ जाएगा 49. आफ्टर दैट 36 कहाँ आएगा, 35 टू 40 के बीच में आता है. 46, 34, 65 यहाँ आएगा क्योंकि लोअर वैल्यू में आएगा. 55, 49 ये वाले इंटरवल में, 41 दिस वन, 47 हेयर, 44 हेयर, 39 हेयर, 38 अगेन इसी इंटरवल में एंड 42. 42 कहाँ रैंक करेगा, यहाँ ये आएगा. So, ये आपके बन गए टैली मार्क्स और अब आप इनको करेंगे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट. 1, 2, 3, दिस इज 3, दिस इज 4, 4, 5, 1, 1, 1 and 1. अब देखिए टोटल कितना आता है जब आप इनको ऐड करेंगे. 4 and 3, 7, 7 and 4, 11, 11 and 5, 16, 17, 18, 19 and 20. टोटल इज 20. सो 20 ही स्टूडेंट्स थे जिनका ये वेट जो है केजीज में चेक किया गया. तो दीज आर द इंटरवल्स ऑफ वेट. क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड इन अ टेस्ट बाय 60 स्टूडेंट्स इन क्लास 8. ये टोटल 60 वैल्यूज हैं जो यहाँ गिवन है. आपको
इसका एक टेबल बनाना है, इंटरवल्स दिए हुए हैं यानी कि ग्रुप्ड टेबल बनाना है 0 to 10। ग्रुप्ड डाटा कब यूज़ किया जाता है? जब ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। अब देखिए अगर हम इसको सिंपल करने लगें तो देखो सबसे कम रेंज कहाँ जा रही, 7 भी आ रही है, और बड़ी से बड़ी वैल्यू देखो 49 तक भी जा रही होगी क्योंकि 50 में से है, तो हम कितना उसको लंबा टेबल बनाएंगे उस, वो ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए उसकी ग्रुपिंग की जाती है डाटा की। तो देखिए यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह के आपकी वैल्यूज आएंगी। 49 आपकी आई थिंक मैक्सिमम वैल्यू है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इंटरवल्स आपको ये लेने हैं 0 to 10, 10 to 20, और वैल्यूज़ जो थी वो 50 थी। तो 50 वैल्यूज़ को एकदम से यहाँ हम नहीं लिख पा रहे, तो मैं बुक से ही देखूँगी इसको, आप भी बुक से देखिए। फर्स्ट वैल्यू इज़ 21 इसमें जाएगा, देन 10 देखिए दो बार है तो यहाँ आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे वाली वैल्यू में आएगा। 30 यहाँ, 22 हेयर, 33 हेयर, 5 देखिए वैल्यू यहाँ आएगी, 37 यहाँ, 12 25 42। ये बहुत ही पेशेंस का काम होता है और ध्यान से करना होता है, आपने इसमें ज़रा भी गड़बड़ की, अगर ज़रा भी इंटरवल आगे पीछे हो गया तो फ्रीक्वेंसी रॉन्ग हो जाएगी। 42 के बाद है 15, देन 39, 26, 32, 18। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं ये कैसे लगा रही हूँ। देखिए 18 यहाँ है, 27 हेयर, 28 जो है वो 20 और 30 के बीच की काउंटिंग में आता ना, इसलिए 20 और 30 के इंटरवल के सामने इसको लगा देंगे। 19 जो है 10 से 20 की काउंटिंग के बीच में आता है, तो 19 का यहाँ लगा देंगे। आगे आ गया 29 यहाँ आ जाएगा, देन 35 हेयर, 31 अगेन हेयर, 24, 36, 18, 20, 38, 22, 44, 16, 24, 10, 27, 39, 28, लाइकवाइज ये 60 हैं तो ये टाइम लगेगा, बट आपको बहुत ध्यान से इसको करना है। 49, 29, 32, 23, 31, 21, 34, 22, 23, 36, after that 24, 36, 33, 47, 48, 50 भी आए हुए हैं मार्क्स, तो 50 देखिए यहाँ चला जाएगा, 39, 20, 7, 16, 36, 45, 47, 30, 22, here it is 22, and 17. So this is all about telemarks. अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। फ्रीक्वेंसी देखिए ये 2, this is 5 and 5, 10, this is 5, 10, 15, 20, 21, 5, 10, 15, 15 and 4, 19, this is 5 and 2, 7 and 1. आप इसको टोटल लगाइए, जब इसका आप टोटल करोगे तो इट विल गिव यू 60, और 60 ही स्टूडेंट्स थे जिनका जिनके ये मार्क्स को सर्वे किया गया था। तो दिस इज 60, इट मीन्स योर टेबल इज, योर टैली मार्क्स, योर फ्रिक्वेंसी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज द वाटर टैक्स बिल्स इन रुपीज़,
ऑफ 30 हाउसेस, ये 30 एंट्रीज हैं, 30 हाउसेस के वाटर बिल्स जो आए, टैक्स बिल्स आए, वाटर टैक्स जो लगा उसके बिल्स जो आए वो यहाँ वैल्यू है. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास साइज 10. क्लास साइज 10 का मतलब गैप जो है वो 10-10 का रहेगा. जैसे आप 20-30, 30-40 इस तरह के इंटरवल्स आप लेंगे. तो यहाँ आप सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखिए कौन सी है. स्मॉलेस्ट वैल्यू अभी स्टार्टिंग में तो 30 मिल रही है, आगे चलते हैं दिस इज 14, 15. सो 14 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू. एंड हाइएस्ट वैल्यू देखिए, हाइएस्ट वैल्यू जो यहाँ दिखाई दे रही है दैट इज 112 भी है. तो रेंज जो रहेगी डाटा की वो क्या रहेगी, 14 एंड 112. सबसे छोटी वैल्यू 14, सबसे बड़ी वैल्यू 112. तो ग्रुपिंग आप इसी तरह से करेंगे इसकी. ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी टेबल क्लास साइज 10 लेना है आपको. सो हमने लिया 10 to 20, सबसे छोटी वैल्यू 14 है और सबसे बड़ी 112 है. तो हमने लिया 10 टू 20 क्योंकि 10-10 का इंटरवल लेना है. तो 0 से 10 तक की कोई वैल्यू है नहीं, कोई 0 से सिंगल डिजिट का कोई नंबर 10 तक का है नहीं, 14 ही है. तो 10 टू 20 पहली वैल्यू, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90 और 120 तक इसी तरह से हम चले जाएंगे क्योंकि हमें 114 एक वैल्यू गिवन है, 112 एक वैल्यू गिवन है. चलिए अब हम इसकी ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वैल्यू इज 30, 32, 30. देखिए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा. ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है, अगर आप 30 को यहाँ मार्क कर देते हो तो फ्रिक्वेंसी रॉन्ग हो जाएगी. यहाँ सिर्फ 29 तक की वैल्यूज आ सकती हैं, 29.9 भी हो ना तब भी वो यहाँ आ सकता है, लेकिन अगर पूरा 30 होगा तो वो यहाँ जाएगा. 30, 32, 54 इस रेंज में, 45 यहाँ, 78 हेयर, 74 वो भी यहाँ, 112 यहाँ, 66 ये आएगा 60 टू 70 के बीच में, 108, 76, 14, 20 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा 20, 88 हेयर इट इज 88, 40, 44, 35, 15, 66, 95, 92 to 100 के बीच में 84, 82 to 90 के बीच में 78, हेयर 102, 34, 14, 110, 44, हेयर इट इज 44. सो दिस इज, दीज आर योर टेलीमार्क्स. अब हम इसकी फ्रिक्वेंसी करते हैं, कैलकुलेट. सो दिस इज 3, 1, 4, 4, दिस इज 1, 2, 5, 3, 2, 2 and 3. टोटल करो, जब आप इनका टोटल करोगे देखिए 3 and 1, 4, 4 and 4, 8, 8 and 4, 12, 13, 14, 15, 15 and 5, 20, 23, 25 और ये 5, 30. टोटल जो था वो 30 ही था, तो टोटल हमारा 30 आ गया. इट मीन्स वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ राइट टेबल. क्वेश्चन नंबर 8 इज कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10 एंड सो ऑन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट. 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं जो उन्होंने टेस्ट में लिए, तो ये इंटरवल लेके आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. देखिए यहाँ पे अब सबसे छोटी रेंज क्या, छोटी वैल्यू क्या है, 0. एक स्टूडेंट ने 0 भी लिया हुआ है और एक ने हाईएस्ट में जाके 49 भी आए हुए हैं. ठीक है, तो आपने 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 इस तरह के आपने इंटरवल्स बनाने हैं. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 यहाँ आपने 50, 55 तक, क्योंकि एक पूरे 50 वाला भी वैल्यू है बीच में, तो आपने 55 तक लेना है इंटरवल.
चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वैल्यू इज 10, देन 7, 5, 5 भी यहीं आ जाएगी, 12, 0, 15, 25, ये देखिए 25 तो 30 वाले में जाएगी, 20, 20 टू 25 वाले में जाएगी, 22 अगेन हेयर, 27, 17, 17, 17 यहाँ आ जाएगा, 11 हेयर, 8 आपका यहाँ आ जाएगा, दिस इज 8, 9 अगेन यहीं पे, 6 सेम हेयर, इट इज फिफ्थ इंटरवल, 17, 23, 19, 31, 29, 37, 31, 35, 45, here it is 45, 40, 49. देखिए 49 था तो इस इंटरवल में आया, 42 अगेन, 42 यहाँ, 50 यहाँ चला जाएगा, एंड 16 यहाँ आ जाएगा. सो ये टैली मार्क्स हैं. फ्रीक्वेंसी इसकी देखिए 1, 5, 3, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2 and 1. आप इसको टोटल कीजिए, जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपको 30 मिलेगा, और ये टोटल 30 आएगा भी, आप इसको चेक कर सकते हैं. इट मीन्स आर टेबल राइटली. क्वेश्चन नंबर 9, हेयर आर सम MCQs. द अपर लिमिट ऑफ 20 टू 30 इज, देखिए ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर होती है. एक जैसे आप इंटरवल लिख रहे हो 10 to 20, तो 10 एक लेफ्ट साइड पे लिखा होगा, एक राइट साइड पे लिखा होगा, बीच में हाइफन होगा, डैश होगा. तो इसमें जो डैश के इस तरफ है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. तो अपर लिमिट कितनी होगी, 30. सी इज द राइट ऑप्शन. द लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटरवल 25 to 35 इज 25. द क्लास साइज ऑफ 40 to 60, देखिए क्लास साइज कैसे होता है, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है 40 to 60. जैसे हमने पीछे अभी क्वेश्चंस में बनाए 0 to 5 या 10 to 20, तो 0 to 5 वाले में क्लास साइज 5 रहेगा, 10 to 20 वाले में 10 रहेगा. यहाँ क्या है 40 to 60, आपने इनको माइनस कर लेना है, अपर माइनस लोअर, दैट इज द क्लास साइज 20. बी इज द राइट ऑप्शन. द क्लास मार्क्स ऑफ 100, 150 इज, क्लास मार्क्स क्या होते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 250 डिवाइड बाय 2, दिस इज 125. डी इज द राइट ऑप्शन. द क्लासेस 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 आर कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, इनसफिशियंट या अनग्रुप्ड. ये ग्रुप तो है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस, अनग्रुप्ड नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है. अगर 0 टू 10 और उसके बाद 20 टू 30 आ जाता, 10 और 20 बीच में मिसिंग होता, तब ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता, अभी ये कॉन्टिन्यूअस है. डैश गिव्स अ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स इन द गिवन डेटा. फ्रीक्वेंसी, इफ 50 टू 60 इज द क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप्ड डेटा, देन द लोअर क्लास लिमिट इज 50. टेलीमार्क्स आर यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग. हमने अभी टेलीमार्क्स यूज किए हैं, वो हमें क्या देते हैं, फ्रीक्वेंसी देते हैं, लोअर लिमिट देते हैं, अपर लिमिट देते हैं, कि नॉन ऑफ दिस, वो हमें फ्रीक्वेंसी देते हैं. टेलीमार्क्स से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट इज स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग. इस टेबल को पढ़ के आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. What is the size of interval? देखिए size of interval क्या है, 5-5 का gap है ना, 5 से 10, 10 से 15, तो size is 5. Which class has the highest frequency? Highest frequency कौन सी है, 25. ये किस class की है, 15 to 20. This is the right option. Which class has the lowest frequency? अब इसमें सबसे छोटी value कौन सी है, 6, वो कौन सी class है, 30 to 35. Which two classes have the same frequency? Same frequency कहाँ आ रही है, देखिए ये 10 आ रही है, ये 10 आ रही है, किसकी की आ रही है, 10 to 15 और 20 to 25. 10 to 15
and 20 to 25. So this D is the right option. So this is all about this exercise. I hope you have got it. Students, अगर कोई भी इसमें आपको चीज़ मिसिंग लगती है या आपको समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कहीं कुछ मिस्टेक आपको नज़र आती है, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं तो जब हम करते हैं काम तो ये तो है नहीं कि टीचर गलती नहीं कर सकते, टीचर भी गलती कर सकते हैं, तो अगर कुछ ऐसा आपको मिलता है तो उस गलती को पॉइंट आउट करने से पहले एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए. अगर वहाँ भी आपको उस गलती का सलूशन नहीं मिलता, देन यू कैन कमेंट अस बैक, वी विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.2. इसमें आपको डाटा ग्रुप्ड फॉर्म में गिवन है, टेबल ऑलरेडी गिवन है, आपको उसके हिस्टोग्राम्स बनाने हैं. हिस्टोग्राम आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स obtained by और number of students, ये already आपके पास table बना हुआ है. Marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. जिन बच्चों के 0 से 10 के बीच में marks आए वो students कितने हैं? 6. 10 to 20 वाले कितने हैं? 9. जिनके 20 से लेके 30 के बीच में आए they are 12. 30 to 40 they are 8. 40 to 50, 10 and 50 to 60, they are 5. इस तरह से आपने अपनी ग्राफ नोटबुक लेनी है. ग्राफ नोटबुक में एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में आप वो डाटा लगाएंगे जो कि आपको फर्स्ट पे गिवन है, जैसे मार्क्स हैं, जो ग्रुप है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये वाला डाटा आप हॉरिजॉन्टल लाइन में लेके आएंगे. ये जीरो है जहां पे ये दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस मीट करती हैं, इसको जीरो पॉइंट कंसीडर किया जाता है. जीरो के बाद दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60. लास्ट इंटरवल हमारा 50 टू 60 है, उससे एक ज्यादा आप ले लेंगे 70. ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप 10, 20 लेंगे, जिस तरह का आपको टेबल गिवन होगा आपने वैसा डाटा यहाँ पे लेना है. तो इस केस में हमारे पास 0 टू 10, 10 टू 20 था, तो हमने 0, 10, 20, 30, 40 ये लिया. दूसरी तरफ जो वर्टिकल लाइन है उसमें आप लेंगे, आप इसको सेट करेंगे. देखिए आपके पास यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 6, 9, 12, 8, 10, 5. 12 तक है, बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा. आप चाहेंगे तो इसको 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं. हम इसको विद इन द रेंज रखने के लिए 2 का इंटरवल लेते हैं. तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. लास्ट हमारे पास नंबर जो है वो 12 है, तो 12 से एक ज्यादा हम इसको 14 तक लेके जाएंगे. दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. अब आप यहाँ पे ड्रॉ करिए अपनी फ्रीक्वेंसी. देखिए 0 टू 10 में आपके पास 6 है, तो इस तरह से आप 0 टू 10, 0 से स्टार्ट करेंगे 10 तक. दिस इज 6, हियर इट इज 6. ये 10 पे एक बार जाएगी, एक 0 पे थी, और ये बार्स जो आपने बनानी है ना, इनको बिल्कुल भी आपने फ्री हैंड से ज्वाइन नहीं करना, पूरा प्रॉपर स्केल से इसको लाइंस लगानी है. रफ लाइंस नहीं होनी चाहिए, पूरा सिमेट्री में होना चाहिए ये. देन 10 टू 20, दिस इज 9, 10 टू 20, ये जुड़े हुए बनेंगे. देखिए बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है, बार ग्राफ जो होता है उसमें बीच में डिफरेंस होता है, जैसे एक बार आ गई उसके बीच में एक पोर्शन खाली, देन दूसरी बार. और हिस्टोग्राम क्या होता है, वो ग्रुप्ड डेटा का होता है, उसमें बार्स आपस में जुड़े हुए होते हैं. तो 9 तक आपने जाना है, दिस इज 8, दिस इज 10. इसके बीच में ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये जो छोटी सी डार्क लाइन आपको दिख रही है, दिस इज 9. तो यहां से आप इसको एक बार 20 पे लेके जाएंगे, एक वो 10 पे जाएगी, दिस इज 6, दिस इज 9. इस तरफ आप लिख देंगे मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. उसके आगे 20 टू 30 जो है दैट इज 12, आप इसको 12 तक लेके जाएंगे. ड्रॉ इट लाइक दिस. हर ग्राफ आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है. दिस इज 12,
After that, 30 to 40 is 8. ये देखिए 8, 30 to 40 वाला ये हो गया. 30 वाली लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, उसी को आप यूज कर लेंगे. और एक चीज और ध्यान में रखनी है, पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, बहुत मोटी मोटी सी लाइंस नहीं आनी चाहिए. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है इसमें बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस भी हैं. अगर आप अपनी पेंसिल को मोटा रखोगे, उसको शार्प नहीं करोगे प्रॉपर, तो ये बॉक्सेस जो है इनका नंबर जो है आपको गिनने में कंफ्यूजन होगी, और जो लाइन है ना वो एक दो बॉक्सेस को कवर ही कर लेगी. तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इसको पेंसिल को काफी अच्छे से शार्प करेंगे. 40 to 50 is 10. 40 to 50 में इंटरवल है आपके पास 10, तो आपने ये 50 पे रख के पूरी लाइन 10 तक लेके जानी है. और दूसरी तरफ जो पहले 40 वाली लाइन थी उसी को आगे बढ़ाते हुए 10 तक इसको पूरा कर लेना है. दिस इज 10. एंड 50 टू 60 इज गिवन 5. देखिए ये 4 है, ये 6 है, इनके बीच की ये जो लाइन है दिस इज 5. 4 और 5 के बीच में जो हाफ छोटी छोटी 5 लाइंस आप गिन लोगे ना, सो दैट इज दिस 5. सो दिस इज द ग्राफ. और इसमें आप स्केल भी मेंशन करोगे. स्केल क्या है, दैट इज अलोंग, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस आप इसमें ले रहे हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, और अलोंग वाई एक्सिस दिस इज 1 यूनिट. यूनिट मीन्स वो बॉक्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, that is 1 unit is equal to 2. 2 students, ये number of students को represent कर रहा है, ये marks. इस तरह से आप हर graph बनाएंगे. Next, आप second graph देखिए, उसमें भी आपको table given है. Look at this. Second is class intervals, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. और उसके frequency क्या दी है, this is 15, 12, 18, 24 and 21. चलिए अब आपको मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ ग्राफ. ग्राफ बनाने का तरीका वही रहेगा, अपने ग्राफ पेपर पे आपने सेम उसी तरह से लाइंस लगानी है और उसी तरह से इसको बनाना है. ये है सेकेंड ग्राफ. देखिए 0 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100. इस तरह से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. यहाँ आ जाएगा क्लास इंटरवल और वो आ जाएगी फ्रिक्वेंसी. अब आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी गिवन थी, 0 टू 20 आपको 15 गिवन है. देखिए यहाँ पे ज्यादातर जितनी भी एंट्रीज है ना सारी 3 के टेबल है. जैसे आपके पास फर्स्ट है दैट इज 15, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 21. तो सारी जितनी भी है ये 3 के टेबल में आती है, सारा 3 का टेबल है. तो आप यहाँ पे 3-3 का गैप ले लेंगे, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24. आप उससे एक पॉइंट और आगे चले जाएंगे क्योंकि 24 हमारा लास्ट है. सो 0 टू 20 आपने कहां तक जाना है, 15 तक. इस तरह से आप बार बना लेंगे, दिस इज 15. फिर उसके बाद 20 टू 40 12 है, 12 तक बना लेंगे सेम वे में जिस तरह से हमने पिछले ग्राफ में बनाया था. 40 टू 60 हमारे पास 18 है, तो आप 18 तक का ये एक रेक्टेंगुलर बार बना लेंगे, रेक्टेंगल का डब्बा बना लेंगे आपकी लैंग्वेज में अगर बोलें तो, बट डोंट से इट लाइक दैट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बार. 60 टू 80 दैट इज 24 एंड 80 टू 100 दैट इज 21. ये एक्स एक्सिस हो गई क्लास इंटरवल. यहां हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख लिया. सो दिस इज द ग्राफ फॉर सेकेंड क्वेश्चन. आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेट इन केजीज नंबर ऑफ पर्सन. कुछ लोगों का वेट किया गया, उसका ये टेबल आपको गिवन है. जिनका वेट 25 टू 30 केजीज के बीच में है वो कितने पर्सन हैं, 4. 30 टू 35 दे आर 8. 35 टू 40 दे आर 13. 40 टू 45 दे आर 15. 45 टू 50 10 एंड 50 टू 55 दे आर 12. अब इसको जरा ध्यान से देखिए इस डाटा को, 4, 8, 13, 15, 10 एंड 12. ज्यादातर नंबर क्या है, इवन स्केल हम क्या सेट करेंगे, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3. ये देखिए इवन नंबर्स थे सारे, ज्यादातर बीच में एक दो को छोड़ के.
तो आप 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का ले लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, क्योंकि हाईएस्ट जो नंबर हमारे पास है वो 15 है। और यहां देखिए एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए, हमारे इंटरवल क्या है, हमारे इंटरवल जीरो से शुरू नहीं हो रहे, पिछले क्वेश्चंस में हमारे इंटरवल जीरो से स्टार्ट हो रहे थे, बट यहाँ हमारा फर्स्ट इंटरवल 25 to 30, 30 to 35 इस तरह से है। तो ये एक किंक ऐड किया जाएगा, ये ऐसे करके इस तरह का एक निशान लगाया जाता है, जस्ट लाइक एक जेड कह लो या एन कह लो, इसको यहाँ ऐड किया जाता है क्योंकि हमारा इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूड नहीं है। सबसे पहले जीरो से हम सीधे 25 पे जा रहे हैं, यानी कि जीरो से हम 25 का गैप ले रहे हैं, उसके बाद हमारा इंटरवल कॉन्टिन्यूड है, 5, 5, 5 का गैप है। तो उस गैप को कवर करने के लिए जो हमने स्टार्टिंग में 25 लिया, उसके लिए किंक यूज होता है। किंक जो है वो तब यूज किया जाता है जब हमारा इंटरवल एक जो है वो डिफरेंट हो और बाकी सब कॉन्टिन्यूड हो। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में जीरो से स्टार्ट था, यहाँ हमारा 25 से स्टार्ट है। तो ये आप एक्स एक्सिस इस तरह से ले लेंगे, ये वाई एक्सिस, वेट इन केजीस, 25, 30, 0 पहले करके किंक डाल लीजिए, देन 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और एक वैल्यू आगे जरूर दिखाते हैं, दैट इज 60, 2, 4, 6, 8 इस तरह से करके आप 16 तक चले जाएंगे। फर्स्ट देखिए 25 to 30, अब जो है ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटरवल जीरो से स्टार्ट नहीं था, तो फर्स्ट ये जो है ये गैप रहेगा 25 to 30, दिस इज 4, आप 4 तक ऐसे जाके एक रेक्टेंगल बना देंगे, 30 to 35, दिस इज 8, 35 to 40 आप 13 है, 12 और 14 के बीच की ये जो लाइन है देखिए 5, छोटी छोटी जो स्मॉल लाइंस हैं उनको 5 को काउंट करके यहाँ आप 13 पे पहुंच जाएंगे। आफ्टर दैट 40 to 45, इट इज 15, तो 15, 14 और 16 के बीच का जो एक लाइन छोटी वाली है, मिड इंटरवल जो इनका है, दैट इज 15, फिर 10 एंड आफ्टर दैट 12, वेट इन केजीज। क्वेश्चन नंबर 4, क्लास इंटरवल्स 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 and 35 to 40। यहाँ भी एक चीज नोटिस कीजिए, स्टार्टिंग में जीरो नहीं है, जीरो से इंटरवल शुरू नहीं हो रहा, 10 से स्टार्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 26, 18, 30, 15, 24 and 35। चलो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज 4, जीरो से इंटरवल स्टार्ट नहीं हो रहा, तो एक्स एक्सिस जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वहां पे किंक डालेंगे, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 क्लास इंटरवल्स, और उस साइड पे जितने भी हैं वो ज्यादातर सारे हमें 5 ही नियरेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम 2 लेते हैं तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि ग्राफ पेपर पे पॉसिबल नहीं होगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35, फर्स्ट इज 26। देखिए ये जो दो 25 और 30 पे फोकस कीजिए, ब्रॉड ग्राफ पे आप देखिए, ये अगर हम 25 लेते हैं और ये 30, तो बीच में ये कितनी गैप हो गया 5 का, और हमारे पास ये छोटी छोटी लाइन जो आप देखिए ये कितनी है, 10 है, तो मतलब ये जो छोटी छोटी दो लाइंस होंगी ये 1 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगी। उसी तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ करते हुए 26 यानी कि 25 के बाद दो छोटी छोटी लाइंस पे जाके 26 बना लेना। आगे है 18, 18 के लिए आप 20 से दो छोटी छोटी लाइंस नीचे रहेंगे, क्योंकि ये 2 लाइंस मिलके 1 बना रहा है, तो आप 4 लाइंस नीचे रहेंगे, नॉट 2, दिस इज 4, 4 लाइंस आप नीचे रहोगे तो 18 आएगा। 20 to 25, दिस इज 30, 30 आपके पास पूरा है तो यहां तक आप आ जाएंगे, 15 है आगे वो भी पूरा है। नेक्स्ट इज 30 to 35 is 24 के लिए आप 25 से दो छोटी छोटी लाइंस नीचे रहेंगे, और नेक्स्ट इज 35 to 40, वो 35 है, पूरा पूरा 35 हो जाएगा। सो दिस इज ग्राफ नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज डेली अर्निंग्स 450 to 500, 500 to 550। देखिए 50-50 का गैप है यहाँ पे, स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 450 से, तो किंक इस ग्राफ में भी लगाएंगे, 16, 10, 12, 20, 25 and 12। देखिए इसको 5, 10, 15, 20, 25,
एंड किंक लगा के 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750. सो 15 से वही सेम ग्राफ सेम रिलेशन रहेगा कि दो छोटी छोटी लाइंस जो है वो मिलके वन पॉइंट बनाएंगी. तो 15 से दो छोटी छोटी लाइंस आप ऊपर तक ड्रॉ करोगे इट इज 16. 10 पूरा, देन 550 टू 600 इट इज 12. 10 से फोर लाइंस ऊपर जाओगे छोटी छोटी वाली तो 12 पे पहुंच जाओगे. 20, 20 पूरा यहाँ पे नंबर है, 20 तक आप चले जाएंगे. 25 भी फुल, ये देखिए यहाँ पे 25, ये भी इस तरह से. और 12, 12 के लिए 10 से फोर छोटी छोटी लाइंस ऊपर जाएंगे. कैसे? क्योंकि 10 से अगर आप दो छोटी लाइन ऊपर जाओगे तो 11 हो गया, उससे दो और ऊपर जाओगे तो 12 हो गया. सो दीज आर डेली अर्निंग्स एंड नंबर ऑफ पर्संस. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. इन ए सर्वे ऑफ 20 पीपल द अमाउंट ऑफ मनी विद देम इज फाउंड टू बी एस फॉलो. 20 लोगों का सर्वे किया गया, लोगों के ऊपर सर्वे किया गया और वहां पे हमें पता चला कि जो अमाउंट ऑफ मनी उनके पास है वो क्या है, 104. नाउ लुक स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द ग्रुप्ड डाटा, ये रॉ डाटा गिवन है. यहां से आपको पहले क्या बनाना है, फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 की तरह टेबल्स बनाने हैं. टैली मार्क्स वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे पहले, फिर उसके बाद आप उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे. पहले हम टेबल्स बनाते हैं, उसके लिए इस डाटा को ध्यान से देखिए और सबसे छोटी वैल्यू पहले पता कीजिए. सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 98 है, 88 है. आफ्टर दैट सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 88 आ रही है. तो आप मनी क्या लेंगे, आप 50-50 का इंटरवल ले लीजिए ग्राफ और उसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए. 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 and 200 to 250, क्योंकि यहाँ पे 225 है. तो हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले तैयार करते हैं इसके लिए, फिर हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे. देखिए फर्स्ट वैल्यू इज 104. ये मैं ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज में आप सारी एक्सरसाइज में ये टेबल्स ही आपने बनाए हैं. तो लुक एट दैट एंड यू विल गेट द आंसर्स. दिस इज 104, 100 और 150 के बीच में 98. Here, फिर अगेन 98, आफ्टर दैट 88, 91, here, 99, ये फिफ्थ वैल्यू है. तो फिफ्थ वैल्यू जो है वो ऐसे बनती है. देन 107, 109, 116, 121, फिर अगेन 121, 133, 146, 159, 172, अगेन हियर 185, सेम इंटरवल 150 टू 200, 197, 209, 225 एंड 108. सो फ्रीक्वेंसी देखिए, दिस इज 5, दिस इज 9, 4 एंड 2. ये आपके फ्रीक्वेंसी बन गई. अब आपके पास टेबल आ गया. देखिए जिस तरह का टेबल आपको बुक में गिवन था हमने सेम वैसा ही टेबल बना लिया. 50 टू 100, 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250 और ये आगे उनकी नंबर ऑफ पीपल फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 4 एंड 2. ग्राफ ड्रॉ करते हैं. 0, 50. अब यहाँ पे किंक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाहे इंटरवल हमारा 50 से शुरू हो रहा है लेकिन इंटरवल 50-50 का है और जीरो से भी हम 50 यूनिट्स ही आगे आ रहे हैं तो इसलिए किंक यहाँ नहीं डलेगा. 50, 100, 150, 200, 250 और यहाँ हम ले रहे हैं स्केल 2, 4, 6, 8 एंड 10. 50, 200 वो कितना है, 5. तो 4 और 6 के बीच में हाफ पोर्शन 5 हो जाएगा. 150, 100 टू 150 दिस इज 9. 8 और 10 का हाफ पोर्शन, 8 और 10 के बीच में हाफ ले लेंगे, दिस इज 9. आफ्टर दैट 150 टू 200 इज 4 एंड 200 टू 250 दिस इज 2. तो ये है मनी और ये हो गए नंबर ऑफ पीपल. क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको रॉ डाटा गिवन है, उसमें भी आपको इसी तरह से पहले टेलीमार्क्स का बनाना है टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के देन आप उसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ. 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20 एंड 20 टू 25, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है
आई थिंक दैट इज 23, 20 टू 25 का इंटरवल बेस्ट है. 18 इस इंटरवल में जाएगा, 8 देन 12 आफ्टर दैट 6 8 16 12 सारी वैल्यूज को आप इस तरह से टैली मार्क्स के टेबल में बना लेंगे. ये टेबल हम बहुत बार 10 क्वेश्चंस में बना चुके हैं, तो बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने टेबल बनाना है. अब यहाँ पे आपको टेबल मिल गया 0 to 5, उसके लिए फ्रिक्वेंसी 4 है, 5 to 10 12. तो देखिए ये सारे इवन नंबर हैं, तो आप 2 4 6 8 का इंटरवल ले लीजिए और वहां 0 5 10 15 सिंपल वे में जाएगा. देखिए लुक एट द ग्राफ, 0 5 10 15 20 25 2 4 6 8 0 to 5 ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 5 दिस इज 4, फिर 5 to 10 इज 12, 10 to 15 इज 6, 15 to 20 दिस इज 10, and then 20 to 25 is 8. ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा, यहाँ मार्क्स एंड यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपको ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, बस आपको इनके आंसर्स देने हैं. द फॉलोइंग हिस्टोग्राम, ये जो हिस्टोग्राम है इट डिपिक्ट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 46 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट इज व्हाट इज द क्लास साइज. क्लास साइज देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया कि ये कितना होता है क्लास साइज, जो गैप होता है, ये जो गैप है ना 10 20 30, तो क्लास साइज इज 10. हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स, 20 से लेस मार्क्स, 20 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं. ये देखिए 20 से कम, ये इंटरवल एक ही है इस तरफ वाला, दिस इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 6. तो 6 स्टूडेंट्स को 20 से कम मार्क्स मिले हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 30 और मोर बट लेस देन 60, 30 या उससे ज्यादा बट 60 से लेस. ये देखिए आप ये काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे और ये काउंट करेंगे, सो दिस इज 3 8 and 4, 3 + 8 + 4 दिस इज 15. तो 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 30 और 60 के बीच में मार्क्स मिले. इफ पासिंग मार्क्स आर 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेलियर्स. 30 अगर पास मार्क्स हैं तो फेलियर्स का नंबर क्या है, जिनके 30 से कम मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, ये 10 और वो 6, 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इससे कम है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What information is given by the graph? ये information ये होती है जो आपको यहाँ लिख के दिया होता है. This is height of girls, number of girls. So information क्या है? The graph gives the information about the height of different girls in centimeter. Centimeter. Which group has maximum girls? कौन सा height group है जिसमें number of girls maximum है? तो number of girls maximum कहाँ जा रहा है? 7, ये बार ये किस इंटरवल के लिए आ रही है, 140 to 145. तो 140 to 145 सेंटीमीटर वाला जो है स्केल रेंज, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं. हाउ मेनी गर्ल्स हैव ए हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर. 145 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है, तो ये जो इतना पोर्शन है, दिस इज ये भी काउंट करोगे, ये भी, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज 3 2 1 and 2, 3 2 5 1 6 6 and 2 8. 8 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी की हाइट जो है 145 सेंटीमीटर से ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स इन अ स्कूल. एक स्कूल में टीचर्स की एज पे सर्वे किया गया और ये डाटा निकल के आया. देखिए, फर्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट टीचर्स इन द स्कूल. वो ये टीचर्स जिनकी एज सबसे ज्यादा है और यंगेस्ट मतलब जिनकी एज सबसे कम है, वो कितने टीचर्स हैं. देखिए ये सबसे कम वाली एज है 20 to 25, कितने ये टीचर्स हैं, 2. यंगेस्ट 2 हो गए, एल्डेस्ट हो गए जिनकी एज सबसे ज्यादा है, 50 to 55 वाला, दैट इज अगेन 2. तो 2 2 दोनों का नंबर आ रहा है.
Which age group of the teachers are more in school and which least? सबसे ज्यादा टीचर्स जो हैं कौन सी एज ग्रुप वाले हैं? ये देखिए 7 नंबर ऑफ टीचर्स है सबसे ज्यादा, और वो कौन सी रेंज है? वो 35 to 40 ईयर्स वाली जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है. और लीस्ट कौन से हैं? ये हो गया मोर और लीस्ट. लीस्ट मतलब सबसे कम नंबर किनका है? वो जो अभी हमने देखा 2 वो कितना था? 20 to 25 एक, और दूसरा और सेम है 50 to 55. ये वाले जो हैं ये लीस्ट हैं. व्हाट इज द क्लास साइज? क्लास साइज क्या है? देखिए डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 20 to 25 25 to 30. तो आप देख रहे 5 का गैप है. क्लास साइज इज 5. क्वेश्चन नंबर 11 मल्टीपल चॉइस. एक ग्राफ गिवन है, आपने एमसीक्यूज को टिक करना है. What is the class size? ये देखिए क्लास साइज क्या है इस ग्राफ का, सामने दिख रहा है. दिस इज 10 20 30 40, तो दिस इज 10. बी इज द राइट ऑप्शन. राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स. सबसे ज्यादा मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स. ये हाईएस्ट मार्क्स है 9200, और ये कितने स्टूडेंट्स हैं ये वाले? ये देखिए यहाँ 4 को टैली कर रहा है ये, तो 4 स्टूडेंट्स हो गए. D is the right option. How many students get more than 60 marks? 60 से ज्यादा marks कितने students को मिले? ये, this and this, इन सबको plus करेंगे. This is 4 plus 7 plus 5 plus 4. 4 and 7, 11. 11 and 4, 15. 15 plus 5, 20. So A is the right option. How many students get less than 40 marks? 40 से less. ये हो गए 40 से less सारे. This, this and this. 3 plus 2, 5. 5 and 5, 10. D is the right option. In which class interval number of students are maximum? ये number of students maximum 8 तक जा रहा है. This is 40 to 50. 40 to 50. In a histogram, if all the intervals are of same size, then area of each bar is equal to, अगर एक हिस्टोग्राम है उसमें हर बार का साइज सेम है, एवरी बार हैज द सेम साइज, देन एरिया ऑफ विच बार इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, हाइट ऑफ बार, क्लास साइज इंटू फ्रिक्वेंसी. ये 4 ऑप्शंस हैं इसमें से, तो सी क्लास साइज इज द राइट ऑप्शन. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. There is no difference between bar graph and histogram. Bar graph और histogram में difference है. मैंने starting में ही आपको बताया था. Bar graph होता है जिसमें bars separate होती हैं, उनके बीच में gap होता है. और histogram जो है वो जुड़े हुए bars होते हैं. तो difference उनके बीच में है. यहाँ लिखा है there is no difference. So this is false. Histogram is a bar graph with gap between two adjacent rectangles. No gap नहीं होता histogram में. Bars जुड़े हुए होते हैं. This is also false. In histogram, the height of rectangle is meaningless. No, meaningless नहीं होती. उसी से तो graph को meaning मिलता है. So this is false. तीनों options, तीनों questions के answer false हैं. So this is all about this exercise 4.2. I hope you have got it. Chapter 4, data handling, exercise 4.3. इसमें आपको pie charts draw करने हैं. पाई चार्ट क्या होता है? सर्कुलर चार्ट होता है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. पाई चार्ट का सेंट्रल एंगल जो होता है हमेशा 360 होता है. पाई चार्ट एक्चुअली एक सर्कल होता है. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक पाई चार्ट जो ऑलरेडी आपकी नोटबुक में बना हुआ है. लुक एट दिस. कोई भी इनमें से आप कंसिडर कर लीजिए. ये एक सर्कल है. इसमें जो अलग अलग हमारे पास डेटा दिया होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल्स. और ये जो सेंटर का एंगल होता है, आपको पता है ये जो सेंटर का कंप्लीट एंगल होगा वो ये कितना होगा? 360. मतलब आपने जो यहाँ जितने पोर्शंस ड्रॉ किए हैं, एंगल्स जो भी ड्रॉ किए हैं, उनका सम टोटल सारे वाले एंगल्स को मिला के 360 होना चाहिए. चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन. एक हॉस्टल में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स का नंबर आपको गिवन है. लैंग्वेज हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, ये आपकी बुक में दिया हुआ है. इसी को लेके आपने पहले इनका सेंट्रल एंगल निकालना है, देन आपने
पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पहले एक टेबल बनेगा जिसमें आप एंगल्स निकालेंगे, यानी कि जितने ये है 10 स्टूडेंट्स जो कि हिंदी बोलते हैं, तो इनको पहले एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपने पाई चार्ट बनाना है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। लुक एट दिस, लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल, पहले आप ये बनाएंगे। सबसे पहले टेबल ड्रॉ कीजिए, लैंग्वेज और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ तक का टेबल आपको बुक में गिवन है, इट इज गिवन इन योर बुक। आप क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा है हिंदी 10, पंजाबी 30, इंग्लिश 12, मराठी एंड टोटल करके भी दिया है। कई क्वेश्चंस में आपको टोटल नहीं दिया होगा, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनका टोटल आपने खुद करना है, यहाँ पे आपको गिवन है। अब आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे फ्रैक्शन, यानी कि ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, 10 डिवाइडेड बाय 72, 30 डिवाइडेड बाय 72, 12 डिवाइडेड बाय 72, 9, 72, 7, 72, 4 डिवाइडेड बाय 72, और जो कैंसिल होता है उसको आपने कैंसिल कर लेना है। ये 2 से आ रहा है, 2 5 सा, 2 36 सा, इसी तरह से हमने कैंसिल किया। अब सेंट्रल एंगल फॉर ईच ऑफ दीज लैंग्वेजेस, वो कैसे निकलेगा, जो फ्रैक्शन आई है उसको मल्टीप्लाई बाय 360 करो, फ्रैक्शन जो यहां निकाली मल्टीप्लाई बाय 360, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको एंगल मिलेगा 5 बाय 36 इंटू 360, दिस इज, ये देखिए ये 10 जा और ये 10 5 जा 50, सेम वे यहां पे 150, यहां 60, यहां 45, यहां 35 एंड 20, ये हो गए उनके सेंट्रल एंगल्स जो हमने कैलकुलेट करे। इसी को लेके हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे, तो आप समझ गए होंगे पहले फ्रैक्शन देन सेंट्रल एंगल। फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन आएगी उसी को 360, क्यों किया हमने 360 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल एंगल सर्कल के आसपास का वो क्या होता है 360। अब आप पाई चार्ट बनाने के लिए ये एक ऐसा सर्कल अपनी कंपास की हेल्प से आप ड्रॉ कर लेंगे। अब आप एक पेंसिल यूज करेंगे, ये जो आपका सेंटर आया जहां आपने पिन रखी थी, दिस इज द सेंटर, यहां से एक आप लाइन ड्रॉ कर लोगे। अब फर्स्ट एंगल आपका कितना था हिंदी के लिए 50 है, तो यहां ये रख के ये इस तरह से आप 50 पे ये मार्क लगा लेंगे, फिर आप इसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हो गया 50 डिग्रीज फॉर हिंदी। ये साथ साथ लिख लेना, आप चाहें तो इसमें कलरिंग भी या कुछ शेडिंग भी कर सकते हैं अलग अलग, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आगे है पंजाबी 150, ये हमारे टेबल के अकॉर्डिंग पंजाबी में 150 आया था, तो अब आप थोड़ा सा ऐसे अपनी नोटबुक को घुमा लेंगे, ये जो आपने नई लाइन ड्रॉ की थी ना 50 वाली, नाउ दिस इज योर बेस, ये देखिए सेंटर में ये 0 0 से कंसाइड करेगी ये लाइन यहाँ, और अब 150, ये हो गया 100, 110, 120, 30, 40, 50, हियर इट इज 150, तो आपने इसको 150 को यहाँ सेंटर से ज्वाइन कर लेना है। लाइन पॉइंट आपका चाहे सर्कल से बाहर जा रहा है, बट लाइन आपने सिर्फ सर्कल तक ही लगानी है, दिस इज 150 और ये किसके लिए है पंजाबी। देन आफ्टर दैट इंग्लिश के लिए 60, अब फिर से नोटबुक ऐसे घुमा लेंगे आप, ये देखिए अब ये जो आपने लाइन बनाई थी 150 वाली, टेक इट एज बेस, और अब हमारा आ गया इंग्लिश 60 डिग्री, इंग्लिश पे 60 पे ये हमारा बन गया एंगल 60, हियर दिस इज 60 इंग्लिश, बाद में इसको सीधा करके हम लिख लेंगे मराठी 45, अब इसको ऐसे बेस ये और मराठी, अब ये 45, लुक एट दिस 40 एंड दिस इज 45। सेवन्थ क्लास के वीडियोस हैं उनमें हमने एंगल्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, अगर आप एट्थ क्लास में पहुंच के भी एंगल बनाना नहीं जानते तो आप वहां से उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। 35 अगला एंगल है, दिस इज 35 एंड द लास्ट वन इज 20, तो ये देखिए 20, ये ऑटोमेटिकली आपका 20 बन गया है, दिस इज, ये देखिए 20 ऑलरेडी डन हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से एंगल्स थे, ये देखिए यहाँ पे पंजाबी 150, देन इंग्लिश आपने उसके लिए 60 फाइंड आउट किया था, मराठी 45 एंड ये हो गया तमिल, और उसके बाद है बंगाली, तमिल इज 35 एंड दिस इज 20,
दिस इज द पाई चार्ट. आप यहां चाहो तो अलग अलग कलर से इसको शेड करके भी अच्छा सा दिखा सकते हो एज पर योर टीचर, जैसे आपकी टीचर आपको गाइड करते हैं. सो दिस इज द पाई चार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर वन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू. हियर इज क्वेश्चन नंबर टू. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ ए कॉलेज आर गिवन. ये फैकल्टी है साइंस में 1000, आर्ट्स में 1200, कॉमर्स में 650, लॉ में 450, एजुकेशन में 300 एंड टोटल स्टूडेंट्स जो है 3600 हैं. ये आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है. चलिए इसका भी सेम हम टेबल बनाएंगे. पहले फैकल्टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल. पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ईच सब्जेक्ट का या ईच एंट्री का सेंट्रल एंगल होना बहुत जरूरी है. वही एंगल हमने वहां ड्रॉ करना होता है. चलिए ये आप यहां तक आपको गिवन था, ये आपने सारा अपनी बुक से कॉपी कर लिया. अब हम फ्रैक्शन निकालते हैं. 1000/3600, तो इसको कैंसिल करके हमारे पास आ गया 10/36. सेम वे 1200/3600, ज्यादा कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हम यहां आगे फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा यहां पे हमें कैंसिल होके देगा. यहां देखिए ये सिर्फ दो जीरोस कट रही हैं, ठीक है. मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको एज इट इज रख दिया. 10/36 ये आ गई फ्रैक्शन. अब इसको इंटू 360, इंटू 360 करेंगे तो 36 वन जा और ये 10 जा, 10 जा 100. इसी तरह से ये 10 जा 120, ये इस पूरे का पूरा कैंसिल होगा, ये पूरे का पूरा, तो 45 आ जाएगा. दिस इज 10 जा 3 इंटू 10, दिस इज 30 डिग्री. तो हमारे पास ये एंगल्स आ गए. चलिए अब इस तरह सा आप एक इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. सेंटर जहां पिन पॉइंट था, हेयर इट इज द पिन पॉइंट. सो इसको आप ज्वाइन करके एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे. ये हो गई. अब पहला एंगल क्या है, 100. लुक एट दिस, हेयर इट इज 100. तो अब आप इसको यहां ज्वाइन करेंगे. ये आ गया 100 साइंस के लिए. फिर आगे आर्ट्स, दैट इज 120. फिर से आप नोटबुक ऐसे घुमा लेंगे, जीरो को ये देखिए लाइन से मैच किया. अब आपने 120 एंगल बनाना है. 110, दिस इज 120. तो ये अब आपका बन गया 120. आर्ट्स के लिए आ गया 120, देन कॉमर्स 65. नोटबुक को यूं करेंगे, यहां रख के इसको 65 बनाएंगे. ये देखिए अब जो नई लाइन बनाई थी, जो आप न्यू लाइन ड्रॉ करोगे ना वो बेस हो जाएगी. सो 60 एंड 65, हेयर इट इज. फिर उसके बाद 45 है लॉ के लिए, हेयर इट इज 45 फॉर लॉ. एंड रेस्ट इज 30. ये देखिए लास्ट वाला एंगल जो है ना वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो अब हम इसके नेम्स लिख लेते हैं. ये था एंगल 120 किसके लिए, आर्ट्स के लिए. दिस इज 65 कॉमर्स, दिस इज 45 लॉ, एंड लास्ट वन इज 30 डिग्रीज फॉर एजुकेशन. सो दिस इज द पाई चार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर टू. सिमिलरली 3, 4, 5 इन सब क्वेश्चन में आपने पाई चार्ट ड्रॉ करने हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री इज द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन डिफरेंट आइटम्स. एक फैमिली है, अलग अलग आइटम्स पे वो कितना खर्चा करती है. ये आपको एक चार्ट कह लो, एक टेबल कह लो, उस फॉर्म में दिया है. आइटम्स हैं फूड, क्लोथिंग, रेंट, एजुकेशन एंड अदर्स. एक्सपेंडिचर 4000, 2000, 1500, 1500 एंड 1000. तो इसका टोटल आपको गिवन नहीं है, टोटल आपने खुद करना है. ये सारी वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना. सो चलिए इसका टेबल ड्रॉ करते हैं. आइटम्स, एक्सपेंडिचर इन रुपीस, फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल. फूड के लिए था 4000, तो 4000 बाय, पहले हमने इसका सबका टोटल कर लिया. टोटल आपको मिलेगा जब आप इन सबको प्लस करोगे, इट विल गिव यू 10000. 4000 डिवाइडेड बाय 10000, ये देखिए तीन जीरोस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी. इसी तरह से ये सब में यहां टू जीरोस कैंसिल हो रही हैं, 1, 2 एंड 3. दिस इज जो रह गया 4 बाय 10, 2 बाय 10, 15 बाय 100, 15 बाय 100 एंड 1 बाय 10. सेंट्रल एंगल
जैसा कि हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, फ्रैक्शन इंटू 360, ये 360 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2/10 इंटू 360। ये देखिए यहाँ पे भी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, जो बच गए नंबर्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। लुक एट दिस, जब आप इनको सॉल्व करके ये आपको एंगल्स मिलेंगे 144, 72, 54, 54 एंड 36। सो लेट अस डू दिस पाई चार्ट। सेंटर से जो पिन पॉइंट था सर्कल का, जहां पे कंपास की पिन रख के आपने ड्रॉ किया था, यहाँ पे आप बनाओगे 144। दिस इज 100, 110, 20, 30 एंड 40 एंड ये 144। हेयर इट इज 144। रिटर्न हम इकट्ठा कर लेंगे। आफ्टर दैट सेम वे में आप इसको घुमा लेंगे 72, दिस इज 70 एंड दिस इज 272। आफ्टर दैट 54, हियर इट इज 50 एंड 4, 54, देन अगेन 54, फिफ्टी एंड फोर, दिस इज 54 एंड लास्ट वन इज 36, जो कि ऑटोमेटिकली आपका बन चुका है। अब हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। दिस इज 144 डिग्रीज फूड, 72 क्लोदिंग, 54 रेंट, देन 54 एजुकेशन एंड आफ्टर दैट 36 फॉर अदर्स। और एक चीज और याद रखनी है, ये जरूरी नहीं है कि आप फूड यहाँ ड्रॉ करेंगे, क्लोदिंग यहाँ, आप रेंडमली इसको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस एंगल जो फूड के लिए 144 है वो 144 ही रहना चाहिए। सो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज, इन वन डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकरी आर गिवन बिलो। ये बेकरी के कुछ आइटम्स हैं जिनकी अलग अलग दिनों की सेल रुपीज में दी हुई है आपके पास। तो ये देखिए यहाँ है आइटम्स, ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक्स, बिस्किट्स, अदर्स। सेल्स इन रुपीज 260, 40, 100, 60 एंड 20। सेम वे पहले हम इसका टोटल करेंगे, फिर हम इसका चार्ट प्रिपेयर करेंगे, देन इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो देखिए ये टेबल बनेगा, दिस इज आइटम्स सेल्स इन रुपीज। यहां तक का टेबल आपकी बुक में गिवन है, यहां हम इनका टोटल कर लेंगे 260, 40, 100, 60, 20, दिस इज 480। फ्रैक्शन 260 बाय 480, 40 बाय 480, 100 बाय 480, 60 बाय 480 एंड 20 बाय 480। इसमें जीरोस को कैंसिल करके बाकी एज इट इज लिख लिया। फिर सेंट्रल एंगल 26 बाय 48 इंटू 360, इसमें आप कैंसिल वगैरह करके पूरा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट इज 195। अगेन 4 बाय 48 इंटू 360 इट विल गिव यू 30। 10 बाय 48 इंटू 360 75। 6 बाय 48 इंटू 360 45। 2 बाय 48 इंटू 360 दिस इज 15। तो ये आपको सेंट्रल एंगल्स मिल गए। जिस तरह से हमने पिछले इक्वेशंस में बनाए हैं एंगल्स पाई चार्ट में, सेम उसी तरह से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये मैंने आपके लिए पहले ही ड्रॉ करके रखा है। ये सेंटर से हमने एक लाइन ले ली। फर्स्ट एंगल हमारा आया था 195। अब आप बोलोगे 195 का एंगल कैसे बनाएं? तो देखिए ये जो स्ट्रेट है, ये जो हमने यहां से लगाई लाइन लाइक दिस, ये मैंने जानबूझ के ये पेपर लाइन वाले पे लाइन लगाई है ताकि आप यहां इसको 180 कंसीडर कर सको। ये 180 के आगे 15 का एंगल और बना दीजिए, यहां 180 समझ लीजिए, देन 15 डिग्रीज का और बना लीजिए, इट इज 195। उसके बाद आप इसको ऐसे जिस तरह से हम नोटबुक घुमाते हैं हर बार इस तरह से करके, देन आप इसमें 30 का बनाइए। इस 195 वाले साइड को बेस लीजिए, 30 का एंगल ये दिखिए, फिर उसके बाद 75, अगेन 45 एंड 15। आप इस तरह से ये पाई चार्ट बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द अमाउंट स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। आइटम्स सीमेंट, टिम्बर, ब्रिक,
लेबर स्टील एंड अदर्स एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज. तो सीमेंट पे कितना लगा 60,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 45,000 रुपीज, लेबर 75,000, स्टील 45,000 एंड अदर्स 45,000. चलिए इसमें भी सेम, पहले टेबल और देन पाई चार्ट. हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तक सीधे पाई चार्ट ही बनाने थे. सब में मेथड सेम है, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट है. लुक एट दिस, दिस इज आइटम्स एक्सपेंडिचर. ये जो आपके नोटबुक आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है, सीमेंट 60, टिम्बर 30, ब्रिक्स 45, लेबर 75, स्टील 45, अदर्स 45. फ्रैक्शन इनका टोटल आ गया 300. सेम वे आपने फ्रैक्शन निकाली, 60/300, 30/300, 45/300, 75/300, 45/300, 45/300. इनमें आप जीरोस खाली कैंसिल कर लेंगे. अब आप यहां देखिए, जब हमने इसका सेंट्रल एंगल निकाला 6/13 × 360, ये देखो ये जीरो और जीरो कैंसिल हो गई. दिस इज 3 1 3 2 6, 36 2 72. इसी तरह से आपने इसको सॉल्व किया, 3 1 3 1 लाइक दिस. ये 2 18 18 3 54, 5/20 × 360, तो ये भी जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 18 हो जाएगा, 18 5 90. 3/20 भी सेम इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, ये 54 दे देगा आपको. तो एंगल्स हमारे पास आ गए 72 36 54 90 54 एंड 54. पाई चार्ट इसमें देखिए सेम इसी तरह से बनेगा. एंगल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, सबसे पहले हमने ये लाइन लगा ली, इसमें हमने ये 72 का एंगल बनाया. लुक एट दिस, दिस इज 72, फिर 72 वाले को बेस बनाया जिस तरह से हम करते हैं, 36 बनाया, देन 36 के बाद दिस इज 54, दिस इज 90, दिस इज 54 एंड 54 डिग्रीज. सो यहां पे हम लिख भी देंगे ये क्या है 72 का एंगल सीमेंट के लिए. नेक्स्ट इज टिम्बर. जैसे आपको पिछले क्वेश्चंस में भी मैं बता चुकी हूं कि जरूरी नहीं कि आपने इसी ऑर्डर में रखना है. आपने सीमेंट यहां बनाया तो आप यहां से भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि सीमेंट के बाद यहां टिम्बर का एंगल बना लो, बस एंगल सेम रहना चाहिए. कि अगर टिम्बर के लिए हमारा एंगल 36 निकला हुआ है तो आपने वो 36 ही बनाना है. ब्रिक्स, लेबर, स्टील एंड अदर्स. सो दिस इज द पाई चार्ट फॉर दिस. कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में द गिवन पाई चार्ट शोज द एनुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ एन इंडियन स्टेट. अब इसमें आपको पाई चार्ट गिवन है, उनके एंगल्स भी गिवन है, आपको यहां जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देने हैं. इफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज, कमोडिटीज होती है आइटम्स, ये जो भी यहां पे दी हुई है, इन सबकी वैल्यू टोटल जो होता है, जो हम यहां से जो आप इन क्वेश्चंस में ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करके निकालते थे, वो गिवन है 8,100 टन्स. फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्शन है, यानी कि एंगल से पीछे हमें वैल्यू दी होती थी, हम एंगल पे जाते थे. तो अब यहां एंगल गिवन है, आप वैल्यू पे जाएंगे, तो थोड़ा सा फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा. देखिए कैसे, वीट के लिए एंगल है 120, मेज के लिए 30, ग्राम के लिए 50, राइस के लिए 60 डिग्री एंड शुगर के लिए 100 डिग्री. तो हर एक जो कमोडिटी है, हर एक जो ये आइटम है, इसकी क्या प्रोडक्शन है वो आपने बताना है. देखो जी टोटल कितना दिया हुआ है, हमें गिवन है 8,100 टन्स. तो फॉर्मूला यहां क्या रहेगा, हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल जो हमें गिवन है, जैसे वीट के लिए 120 एंड शुगर के लिए 100, तो वो सेंट्रल एंगल हो गया. ओवर कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360, जिससे आप पिछले क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करते थे, इसमें आपने डिवाइड करना इनटू टोटल, ये टोटल जो गिवन है वैल्यू. चलिए वीट के लिए निकालते हैं यही एंगल के हिसाब से. वीट सेंट्रल एंगल क्या है 120, ओवर कंप्लीट एंगल 360, डिवाइड हमेशा 360 से ही होना है, इनटू जो ये टोटल है. इसमें देखिए जो जो चीजें कैंसिल होती हैं आप कैंसिल कर देंगे, 12 1 12 3 3, फिर ये आपने इसको 3 से किया डिवाइड, तो 3
27 और ये 0 0 2700 टन्स आ गई वीट की प्रोडक्शन। इसी तरह से शुगर की प्रोडक्शन, शुगर के लिए एंगल है 100 अपॉन 360 इंटू 8100। आप जीरोस वगैरह जो भी कटती हैं काट के इनको सिंप्लीफाई करके देखिए, सिंप्लीफाई कैसे किया हमने, पहले तो मैंने जीरो सिंपली काट दी, यहां दोबारा लिखा ताकि आपको ईजी हो जाए। 2 से 2 18 जा 2 5 जा 10, अगेन 18 1 जा 18 450, तो 450 इंटू 5 करोगे मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा 2250, 450 इंटू 5 कर लोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। राइस, राइस के लिए एंगल है 60 अपॉन 360 इंटू 8100, देखिए ये 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा 36, फिर आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 31350 टन्स। आफ्टर दैट इट इज ग्राम, 50 डिग्री उसका एंगल गिवन है अपॉन 360, देखिए इनकी डिग्रीज भी है ना, वो डिग्रीज भी साथ ही कैंसिल हो जाएंगी, तो 0 और 0 यहां से कट किया, देन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इट विल गिव यू 1125 टन्स। नेक्स्ट मेज, मेज इज 30 अपॉन 360 इंटू 8100, मेज का एंगल 30 डिग्री था, तो 0 और 0, देन दिस इज 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, रह क्या गया पीछे, दिस इज 5 इंटू 810 अपॉन 6, जब आप इसको 6 से कैंसिल करोगे इट विल गिव यू 135, फिर आप 5 और 135 को 5 इंटू 135 करोगे तो यू विल गेट 675 टन्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज, यानी कि वीट हमारे पास 2700 टन्स आया, शुगर 2250 टन्स, राइस दिस मच ग्राम 1125 एंड मेज 675 टन्स। टन्स क्यों लिखा, क्योंकि जो टोटल वैल्यू थी वो टन्स में दी हुई थी, इसलिए इनकी इनिशियल वैल्यू भी टन्स में ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज द गिवन पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, नंबर का एंगल्स गिवन है उनके जो एक स्टूडेंट को मिले ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, जैसे मैथ्स में उसका एंगल बन रहा है 108, सोशल स्टडीज में 45, हिंदी में 54, साइंस में 81 एंड इंग्लिश में 72। तो इफ अ स्टूडेंट स्कोर 880 मार्क्स इन ऑल, सारे टोटल उसको 880 मार्क्स हैं, यानी कि जो सारे सब्जेक्ट्स का जो ग्रैंड टोटल है वैल्यू है वो 880 है, तो आपको बताना है कि उसको ईच सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, जस्ट लाइक सिक्स क्वेश्चन, जिस तरह से हमने हर कमोडिटी की वैल्यू निकाली थी, यहां हम हर सब्जेक्ट के मार्क्स निकालेंगे। टोटल 880 मार्क्स बुक में गिवन है और बाकी उन वैल्यूज उनके एंगल्स भी गिवन है, तो सबसे पहले मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, जनरल फार्मूला आप एक ही बार लिख दीजिए, सेंट्रल एंगल ओवर कंप्लीट एंगल इनटू टोटल। मैथमेटिक्स, सेंट्रल एंगल उसका क्या है 108, आपकी बुक में ड्रॉन है पाई चार्ट, वहां देखिए उसके एंगल गिवन है 108 अपॉन कंप्लीट एंगल 360 इंटू 880, 880 कहां से आया ये टोटल, इसमें आप 0 और 0 को कैंसिल कर देंगे, फिर आप इसको देखिए जैसे कैंसिल होता है आप 12 से कर दीजिए, 12 3 जा 36, 12 9 जा 108, देन 3 एंड 3 कैंसिल, तो आपको मिल जाएंगे कितने नंबर उसको मिले, इट यू विल गेट 264 मार्क्स, मैथमेटिक्स में उसको 264 मार्क्स मिले। सेम वे कम टू इंग्लिश, इंग्लिश में एंगल है 72 अपॉन 360 इंटू 880, इसी तरह से ये देखिए हमने कैंसिल किया 0 और 0, देन आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 176, तो उसको इंग्लिश में मिले 176 मार्क्स। साइंस में एंगल बन रहा है 81, तो 81 अपॉन 360 इंटू 880, इसको भी आप कैंसिल कर लीजिए, देखिए 9 से 9 9 जा 9 4 जा 36, 0 और 0 कैंसिल हो गई, देन 4 से 4 1 जा 4 22 जा 82, 22 इंटू 9 9 इंटू 22 आप करोगे तो यू विल गेट 198 मार्क्स। नेक्स्ट इज हिंदी, 54 बाय 360, 54 एंगल गिवन है हिंदी का, तो 54 अपॉन 360 इंटू 880, इसको भी आप इसी तरह से कैंसिल कर लेंगे, यू विल गेट 132 मार्क्स। सोशल साइंस, सोशल साइंस में उसको एंगल है 45, 45 अपॉन 360 इंटू 880, देखिए 0 और 0 कैंसिल, जब आप इस सारे को सॉल्व कर लेंगे 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 4 1 जा 4 22 जा
ठीक है, तो 22 × 5 जब आप करोगे यू विल गेट 110 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 8 इज द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इफ द फैमिली स्पेंड्स 1650 ऑन क्लोथिंग. आप देखिए चार्ट वही है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि बाकी पिछले क्वेश्चंस में आपको टोटल वैल्यू गिवन होती थी, तो यहाँ आपको एक चीज की वैल्यू गिवन है. आपको पहले टोटल निकालनी है, देन आपको सारे अदर वैल्यूज निकालनी है. जैसे एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन फूड, रेंट, सेविंग, क्लोथिंग एंड अदर्स. तो क्लोथिंग का एंगल है 36 और उसकी क्लोथिंग की ही वैल्यू दी है 1650. तो यहां से आप पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि पूरी टोटल खर्चा उस फैमिली का कितना है वो निकालेंगे. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, टोटल सारा मंथ में वो कितना खर्चा करते हैं वो आपको निकालना है. देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन ईच आइटम, हर आइटम का अलग अलग से भी निकालना है. चलो जी स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन. मनी स्पेंट ऑन क्लोथिंग दैट इज रुपीज 1650. रुपीज 1650 फैमिली जो है वो क्लोथिंग पे, कपड़ों पे खर्च करती है. एंगल कितना है क्लोथिंग का? 36. तो सेम जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? सेंट्रल एंगल ओवर 360 इंटू टोटल मनी. वैल्यू किसके इक्वल होती है? जैसे जनरल फॉर्मूला, वैल्यू इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय कंप्लीट एंगल, जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, कंप्लीट एंगल इंटू टोटल. तो ये वैल्यू गिवन थी 1650 इज इक्वल टू 36 अपॉन 360 इंटू टोटल मनी. अब टोटल मनी इधर ही रहेगी, ये वैल्यूज आप इक्वल टू के उस तरफ ले जाओगे, 360 ऊपर आ जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा. 36 वन्स आ, 36 टेन्स आ, तो दिस इज 1650 और एक ये जीरो. टोटल मनी कितनी हो गई? टोटल मनी द फैमिली स्पेंड दैट इज रूपीज 1650. अब देखो बाकी सारे वैल्यूज निकालनी है, सिर्फ एक क्लोथिंग की आपको गिवन थी, फूड का एंड अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह फूड की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज सेंट्रल एंगल ओवर 360 इंटू टोटल. 108 है उसका सेंट्रल एंगल ओवर 360 इंटू 1650. ये देखिए ये कैंसिल किया, देन 12 से 12 नाइन्स और 3 वन्स 3550 ये आ गया. फिर 550 इंटू 9 करोगे तो 4950, यानी कि इतने पैसे वो फूड पे खर्च करते हैं. उसके बाद रेंट, रेंट का एंगल 90 है, 90 अपॉन 360 इंटू 1650. ये जीरो और जीरो कैंसिल, 9 ones are 9 4s, इसी 4 से आप ये डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4125. इतने रुपीस रेंट का खर्चा आता है. सेविंग्स 54 अपॉन 360 इंटू 16500 कैंसिल किया, यू विल गेट 2475. यहाँ हमने वही पहले इसको 9 के टेबल में, देन पहले 00 देन 9 के टेबल में और फिर 2 के टेबल में इसको हमने कैंसिल किया. 2475 सेविंग्स है उसकी. फिर क्लोथिंग का तो आपको गिवन ही था 1650. उसके बाद आ गया अदर्स. अदर्स मतलब बाकी चीजों पे छोटे मोटे खर्चा वो कितना करते हैं, उसका एंगल है 72 अपॉन 360 इंटू 16500. इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे. देखिए जीरो और जीरो, आफ्टर दैट जब आप इसको कैंसिल कर लोगे 3300 मिलेगा, तो 3300. क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स. ये एक पाई चार्ट है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले वो उनका एंगल गिवन है. इफ द स्टूडेंट स्कोर 135 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स का स्कोर ऑलरेडी गिवन है, आपको पहले टोटल मार्क्स निकालने हैं, फिर आपको ईच सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8. मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स 135 और मार्क्स के लिए एंगल कितना है? 90. एंगल, सेंट्रल एंगल जो कि गिवन है आपको बुक में, दैट इज 90. तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 135 इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू टोटल मार्क्स. ये इधर ही रहेगा, ये अपनी साइड चेंज करेगा, 360 ऊपर 90 नीचे. 0 और 0, 9 वन्स और 9 फोर्स और 36. 135 इंटू 4, दिस इज 540. टोटल मार्क्स आ गए 540. अब आपने ईच सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं. इंग्लिश में कितने आएंगे? सेंट्रल एंगल ओवर 360 इंटू टोटल, तो सेंट्रल एंगल 62 अपॉन 360 इंटू 540. 0 और 0 कैंसिल, फिर आप इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे,
तो आपको मिलेंगे 31 into 3, दिस इज 93 मार्क्स. हिंदी में एंगल है 60 upon 360 into 540, ये 0 0, देन आप इसको कैंसिल करेंगे. कैंसिल करने के बाद 90 मार्क्स. सोशल साइंस 72 upon 360 into 540, सेम वे में इसकी भी कैंसिलेशन करेंगे. या अगर आपको कैंसिलेशन में प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स, तो बस 0 0 काट दो, पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको 36 से डिवाइड कर लेना. दिस इज कईयों को टेबल्स में प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ होता है, तो आप इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 72 into 54 upon 36. 0 0 हम कट कर चुके हैं. अब पहले आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, बाद में उसको आप 36 से डिवाइड कर लो, तो यू विल गेट 108 मार्क्स. साइंस में है 76 upon 360 into 540, सेम वे आप इनको भी सॉल्व करेंगे तो 114 मार्क्स मिलेंगे आपको. क्वेश्चन नंबर 10 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अ डायग्राम विच इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा बाय डिवाइडिंग ए सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर्स. ये सर्कल है, इसको अलग अलग सेंटर्स में आपने किया है डिवाइड, तो ये कौन सा चार्ट है? दिस इज पाई चार्ट. सी इज द राइट ऑप्शन. सेकेंड पार्ट इज सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए पाई चार्ट. सेंट्रल एंगल का सम कितना होता है सेंटर में, जो कंप्लीट एंगल होता है, दैट इज 360. इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, इफ 8 स्टूडेंट्स आर टेकिंग गार्डनिंग एज अ हॉबी, द सेंट्रल एंगल ऑफ द ऑफ दिस सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट हु हैव गार्डनिंग एज अ हॉबी. 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से 8 स्टूडेंट्स गार्डनिंग लेते हैं, उसमें हमने एंगल निकालना है. एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन 8 upon 40 into 360, जब आप इसको सॉल्व करोगे 9 8s are 72, तो दिस इज ए इज द राइट ऑप्शन. इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल स्पीक पंजाबी, देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग पंजाबी. 60% स्टूडेंट्स अगर पंजाबी बोलते हैं तो इसके लिए बी इज द राइट ऑप्शन, 216 degrees. If the central angle of the sector representing the playing cricket in a particular school is 108, cricket के लिए 108 central angle है, तो percentage कैसे निकलेगी, 108 upon 360 into 100. जब आप ये करोगे तो you will get 30%. 11th question, multiple choice, एक pie chart given है. The following pie chart shows the monthly expenditure of शिखा ऑन वेरियस आइटम्स. इफ शी स्पेंड रुपीज 36000, 36,000 रुपीज वो टोटल खर्च करती है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. टोटल वैल्यू जो है 36000 दी है, बाकी एंगल सबका दिया है, तो हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन फूड. फूड के लिए एंगल क्या है, 135. सो दिस इज 135 upon 360 into 36000. ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 135 upon 36 into 36000, तो ये 1 और ये 100, तो आएगी वैल्यू 13500. सो 13500 सी इज द राइट ऑप्शन. हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन रेंट. अब रेंट के लिए एंगल कितना है, 81 upon 360 into 36 के साथ 3 जीरोस. देखिए 3 जीरोज में से 1 जीरो कट जानी है, यहां हमेशा 100 बचना है, तो रेंट के लिए क्या आ जाएगा, जो एंगल है उसको 100 से कर दो, दिस इज 8100. हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन अदर्स. अदर्स के लिए सेंट्रल एंगल क्या है, 108. तो यहां जब इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 108 के साथ 2 जीरोज आ जाएंगी. हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन एजुकेशन. एजुकेशन के लिए एंगल है 36, तो 36 उसके साथ जीरोस लगा लोगे तो दिस इज 360. कैसे आएगा, 36 upon 360 into 36 के साथ 3 जीरोस. तो देखो ये जीरो कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 3600. ये इसका राइट ऑप्शन बी होगा. इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस आपके पीछे आंसर्स के साथ मैच नहीं करते, आई हैव चेक देम केयरफुली, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है इसमें तो आप एक बार हमें कमेंट जरूर करिए. दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 4.3. आई होप यू हैव गॉट इट. चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4, इसमें स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आप सब जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसको हम कहते हैं कि कल क्या होगा, जिसके लिए हम assumptions करते हैं, हम उनको assume करते हैं, कुछ predictions लगाते हैं. तो पिछली क्लासेस में भी हमने इसके बारे में पढ़ा, आप 6th में भी पढ़ के आए हो, 7th में भी. प्रोबेबिलिटी
का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो फॉर्मूला जो है वो रिटन फॉर्म में आप देखिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है अ डाई इज थ्रोन. डाई पता है जिससे आप वो लूडो खेलते हैं, तो वो जो डाई होता है जिससे आप जिसको फेंकते हैं और जिसके ऊपर के नंबर आप रीड करते हैं, दैट इज अ डाई. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, एक नंबर लेस देन थ्री. अच्छा आप मुझे बताइए, जब आप डाइस फेंकते हैं तो उसमें आपको क्या नंबर्स मिलते हैं? उसके नंबर्स होते हैं आइदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही नंबर्स होते हैं. तो इनके अलावा और कोई नंबर आपको वहां नहीं मिलेगा, ना आपको 0 मिलेगा ना आपको 7 मिलेगा. तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 3. 3 से लेस, 3 से लेस क्या होगा? 1, 2, 1 और 2 दो ही मिलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/6. यानी कि हमारे फेवरेबल नंबर्स क्या हैं? 2 और टोटल नंबर्स क्या हैं? 6. तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 3, दैट इज 2/6. अब इसको आप कैंसिल भी करेंगे, 2 1s are 2 3s are, सो दिस इज 1/3. ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 आपको एक ही नंबर मिलेगा, 6. सिर्फ एक नंबर है, तो दैट इज 1/6. एंड अ नंबर 4, पूरे का पूरा 4 नंबर मिले, 4 नंबर एक ही बार आएगा, तो दिस इज ऑल्सो 1/6. सेकेंड क्वेश्चन इज एन अर्न कंटेन्स 7 ग्रीन बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स. वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम. आपके पास एक बर्तन है, एक अर्न है, जिसमें आपने 7 ग्रीन बॉल्स डाले हैं एंड 5 रेड बॉल्स डाले हैं. तो वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उसमें से आप रैंडमली वन बॉल निकालते हैं. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल. अब टोटल बॉल्स कितने हो गए पहले वो देखिए. सो यू कैन सी ग्रीन बॉल्स कितने हैं हमारे पास? 7. रेड बॉल्स 5. टोटल बॉल्स क्या हो गए? 7 + 5, दैट इज 12. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, वो क्या है? जो इसका नंबर है, नंबर कितना है यहाँ पे हमारे पास मेंशन है? 7. तो 7/12. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड का नंबर कितना है? 5. 5/12. सो द आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल 7/12, रेड बॉल 5/12. क्वेश्चन नंबर 3, अ बैग कंटेन्स 7 ब्लू मार्बल्स, 8 ग्रीन मार्बल्स, 4 रेड मार्बल्स एंड 7 येलो मार्बल्स. देखिए एक बैग है, उसमें 5 ब्लू मार्बल्स हैं, 8 ग्रीन हैं, 4 रेड हैं एंड 7 येलो हैं. तो टोटल कितने हो गए? पहले आप इनका टोटल करेंगे, टोटल में आप सबको प्लस कर देंगे. सबको प्लस करके आपके पास आ जाएगा 8 + 5 + 4 + 7, दिस इज 24. सबको प्लस करके आपको 24 मिलेगा. वन मार्बल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली आप एक मार्बल सिलेक्ट करते हो. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल? ब्लू के देखिए कितने हैं नंबर, यहाँ पे कितना है? 5. दिस इज 5/24. ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, दिस इज 8/24. अब आप इसको कैंसिल भी करेंगे, 8 1s are 8 3s are, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/3. रेड मार्बल, दैट इज 4/24, इसको भी आप कैंसिल कर लेंगे, दिस इज 1/6. अ येलो, येलो इज 7/24. अब देखिए 7 और 24 एक टेबल में नहीं आते, तो आप इसको एज इट इज ही रहने देंगे. नॉट ब्लू, मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी हो जाए, तो टोटल में से ब्लू का नंबर माइनस कर देंगे. 24 है टोटल, उसमें से 5 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे? 24 - 5, दिस इज 19. 19/24. एंड नेक्स्ट इज नॉट रेड, रेड ना हो,
24 में से रेड का नंबर माइनस कर दो, 24 माइनस 4 दैट इज 20, 20 बाय 24, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 10 सर, 2 12 सर, 2 5 सर, 2 6 सर, दिस इज 5 बाय 6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड दैट इज 5 बाय 6. क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्लास देयर आर 15 गर्ल्स एंड 12 बॉयज. एक क्लास है उसमें 15 गर्ल्स हैं और 12 बॉयज हैं. वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एज अ मॉनिटर. मॉनिटर एक बच्चे को बनाया गया, एक स्टूडेंट को बनाया गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मॉनिटर इज अ बॉय और सेकेंड इज मॉनिटर इज अ गर्ल. पहले आप इनका टोटल कीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स दैट इज 15 प्लस 12, 27. प्रोबेबिलिटी दैट मॉनिटर इज अ बॉय, बॉय के लिए क्या नंबर है 12, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज 12 बाय 27. एंड गर्ल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, फेवरेबल आउटकम्स मतलब 15 बाय 27. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, वन लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, आपको पता है कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, 26. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो टोटल हमारे पास टोटल इवेंट क्या आ जाएगी, टोटल अल्फाबेट्स का जो नंबर है वही टोटल रहेगा इवेंट्स का, दिस इज 26. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवल. अब आप इंग्लिश पढ़ते हो, आपको पता है कितने वोवल्स होते हैं इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं उनमें, यस दे आर 5, ए ई I, O and U. So, what is the probability that the letter selected will be a vowel? So, वो vowel की है 5 by 26, क्योंकि total 5 ही है ना हमारे पास. And consonant, vowel के अलावा जो बच जाएंगे पीछे वो सारे क्या हैं? Consonants, that is 21 by 26. Next is question number 6. Following plain figures are divided into equal parts and one part is selected at random. आपके पास कुछ figures given हैं A, B and C part में. Find the probability that selected part is shaded and second is unshaded. क्या probability है कि आप जो select part करो वो shaded हो और second part unshaded हो. तो पहले shaded के लिए देख लेते हैं. Shaded. काउंट करो कितने यहाँ पे शेडेड पोर्शन है. तो पहले टोटल देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 8 है. शेडेड कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड दैट इज 5 बाय 8. और अनशेडेड कितने रह जाएंगे, जो अनशेडेड जो व्हाइट पोर्शन है दैट इज 3 बाय 8. सिमिलरली यहाँ पे पहले टोटल देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 इज 15, ये टोटल 15 पार्ट्स हैं यहाँ पे इस फिगर में आपके पास. शेडेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, काउंट करो शेडेड का नंबर, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो 8 बाय 15. एंड अनशेडेड काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, दैट इज 7 बाय 15. सेम वे सी पार्ट, दिस इज अ ट्राइंगल, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, टोटल इज 9. शेडेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज 6 बाय 9. आप इसको कैंसिल करेंगे, देखिए जो सेम टेबल में आते हैं उनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लिखेंगे. दिस इज 3, 2 जा 3, 3 जा 9, तो 2 बाय 3. और अनशेडेड इज 3 बाय 9, मीन्स 1 बाय 3. क्वेश्चन नंबर 7, 25 कार्ड्स नंबर्ड 1, 2, 3 अप टू 25 आर पुट इन ए बॉक्स एंड आर मिक्स्ड थॉरली. One person draws a card from the box. Find the probability that the number on the card is an odd number. देखिए अब numbers are from 1 to 25. 1, 2, 3 पूरे 25 तक लिखे हुए हैं. अब आपने questions के answer देने हैं. Probability of odd number.
अब देखिए ऑड नंबर आपको पता है क्या होते हैं, रिकॉल करें क्या था वो जो टू के टेबल में नहीं आते, जो टू के टेबल में आते हैं दे आर इवन, और जो टू के टेबल में नहीं आते वो ऑड, 1, 3, 5, 7 इस तरह से आप काउंट करेंगे, टू को छोड़ देंगे, देखिए टू के टेबल के सारे नंबर्स छोड़ देंगे तो ऑड नंबर्स आ जाएंगे, दे आर टोटल 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स दैट इज 13/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर सेकेंड पार्ट, ऑड को छोड़ दिया तो पीछे जो बचे थे वो सारे इवन थे, उनका नंबर क्या था 12, दिस इज 12/25। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 मतलब जो 5 के टेबल में आते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, तो टोटल कितने हो गए ये नंबर्स, कितने हैं ये 5 हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, सो दिस इज 5/25। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, 5 ones are 5, 5s are, सो दिस इज 1/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कितने हैं, प्राइम नंबर्स पहले होते क्या हैं याद कीजिए, प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे, उसमें हमने क्या कहा था, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स। तो वन को छोड़ देंगे क्योंकि वन ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and 23, these are the prime numbers from 1 to 25, तो ये total count कीजिए, ये 9 होते हैं, तो prime probability of a prime number that is 9/25। question number 8, multiple choice questions MCQs हैं, question आपने बिल्कुल वैसे ही solve करना है, वही formula वही identity, बस आपके पास options होंगी, जो आपका right answer होगा उसको आपने टिक कर देना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, देखिए प्रोबेबिलिटी इसमें दो ही होंगी पॉसिबिलिटीज, या आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड कितनी बार आया देखिए इसमें, 1 time, तो 1/ टोटल का आउटकम्स कितनी है 2, तो दिस इज 1/2, बी इज द राइट ऑप्शन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रोइंग ए डाई, डाई जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा वो क्या था, जिससे आप लूडो खेलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, हम तो डाई ही बोलते हैं, आप देख लीजिए आप उसको क्या कहते हैं, उसमें आपको ये नंबर्स मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर देखिए 2, 4 and 6, 3 even numbers होंगे, तो दिस इज 3/6, 3/6 मतलब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 1/2, 3 ones are 3, 2s are 6, सो बी इज द राइट ऑप्शन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए वोवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, ये हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया है, तो वोवल की क्या आई थी 5/26, सो बी इज द राइट ऑप्शन क्योंकि 5 ही वोवल्स होते हैं हमारे पास। फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है, जैसे आप सारी अपनी बुक्स को मिक्स कर लो और बैग में डाल लो और बाद में आप बिना देखे एक बुक निकालो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैथ्स की बुक आए, आप टोटल आपके पास अगर 5 books हैं तो आप हो सकता है आपके हाथ में SSC की बुक आ जाए या इंग्लिश की आ जाए, मैथ्स की आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जितनी टोटल बुक्स हैं वो डिवाइड करेंगे उससे और एक बुक होगी मैथ्स की, 1/that total number, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके जिनमें हमारे पास आंसर की ऑप्शन होती है, भी हमें नहीं पता कि जो हम काम कर रहे हैं हमें सेम रिजल्ट मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रोलिंग अ डाई, जब आप डाई को फेंकते हो तो आपको नहीं पता कि क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, एनीथिंग। थ्रोइंग अ कॉइन, कॉइन को थ्रो करते हो तो आपको हेड्स भी मिल सकता है, आपको टेल्स भी मिल सकता है, ये डिपेंड करेगा। Choosing a marble from a jar, तो ये सारे ही रेंडम एक्सपेरिमेंट है, बी इज द राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 blue balls, एक बैग है उसमें 10 blue balls है, रेड बॉल है ही नहीं उसमें, तो आप कैसे उसको निकालोगे, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, 0, क्योंकि उसमें तो
और रेड बॉल्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब भी आप जितनी बार भी निकालोगे आपको ब्लू ही मिलेगा. तो जीरो इज द राइट आंसर एंड बी इज द राइट ऑप्शन. और एक चीज और ध्यान में रखिए, आपको ये कभी भी पूछा जा सकता है, इस एक्सरसाइज में नहीं है बट कहीं भी पूछा जा सकता है कि एक प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो श्योर इवेंट हो जिसमें हमें पता है कि हम ये काम कर रहे हैं और हमारा यही आंसर होना, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वन होगी. श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होती है. और नॉट पॉसिबल, जो चीज हो ही नहीं सकती, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बैग में ब्लू ही बॉल्स हैं तो रेड कैसे आएगा, तो उस केस में जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जीरो होती है. So I hope you have got this exercise. Thank you so much students for watching this video. Thanks a lot.